तो ये है फिलहाल स्टैंडर्ड, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। गाड़ी परसों ही खरीदी है, 150 किलोमीटर चल रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला फीचर्स मेरे को जो लगता है कि सेफ्टी फीचर्स को लेके जो लगाना ज़रूरी है, वो हमने अमेजोन से मंगा रखा है। एक बार आपको खोल के दिखाते हैं। और 3 kg का है ये, है ना? और ये कितने का पड़ा हमें अमेजोन पे? 745 रुपये 745 रुपये का। तो काफ़ी अच्छा, और काफ़ी अच्छा है भी है। ठीक है, एक बार इसको लगाते हैं और देखते हैं कि ये गाड़ी में कैसा अच्छा लगता है। दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो आपको नई गाड़ी खरीदते समय ध्यान देना है, कि कुछ शोरूम में क्या करते हैं, आपको पुराना वर्जन पकड़ा देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता का लगाना है कि नया वर्जन और पुराना वर्जन। सबसे पहले आपको जो ब्रेक के में ये अपग्रेडेड इस टाइप से ब्लैक मिलेगी नई, ये हाल ही के जो मतलब 1-2 महीने के अंदर अपग्रेड कर रखे हैं। और दूसरा, यहाँ पर आपको मीटर दिखेंगे, मीटर ब्लैक मिलेगा। आपको जो रॉयल इनफील्ड की तरफ से टूल मिलते हैं, ज़रा उसके बारे में भी छोटी सी जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर टूल खोल के दिखाइए कि आपको क्या क्या और किस पर्पज़ के लिए मिलते हैं। आखिर जो रॉयल इनफील्ड टूल देती है उसके क्या क्या यूज़ होते हैं, ये जानिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये स्पार्क प्लग खोलने के लिए हमारा लेफ्ट साइड का, ये पेचकस है हेडलाइट खोलने के लिए, या कहीं पे भी काम आ सकता है पेचकस। तो ये हमारा स्पार्क प्लग खोलने के लिए है। कौन सा स्पार्क प्लग? राइट साइड का। और कैसे खुलेगा वो दिखाते हैं। इसके अंदर ये फंसता है इस तरह से, फिर हमारा स्पार्क प्लग खोल सकते हैं राइट साइड का, ये वाला। 2 10 12 की चाबियाँ मिलेंगी हमारी क्लच की वायर चेंज करने के लिए। इतने ही टूल मिलते हैं कंपनी की तरफ से। कुछ टूल और चाहिए होते हैं, वो मैं आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। और जो भी इस गाड़ी में हमने जैसे लेग गार्ड डाला, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे लेग गार्ड को फिट कर देते हैं। तो फिटिंग देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी फिटिंग रहती है। और दूर से देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है लेग गार्ड। और सामने की तरफ से एक लुक दिखा देते हैं। तो यही था, अगर आपको ब्रांड न्यू रॉयल इनफील्ड अगर बाय करते हैं और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन उसको कुछ एसेसरीज परचेज करना, तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर आप एक बार चेकआउट जरूर करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।